हैदराबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, बजट पर कैबिनेट मंत्री ने की प्रेसवार्ता। सिद्धार्थनगर में बाढ़ पीड़ितों को जिलाधिकारी ने बांटी राहत सामग्री, बोले इससे लोगों का जीवन फिर से पटरी पर आएगा। गोरखपुर में महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने की प्रेसवार्ता, कहा सफाई व्यवस्था को देखकर ये लगा कि इंदौर में काफी बेहतर है व्यवस्था। वृंदावन दर्शनार्थ करने आए युवक ने की आत्महत्या, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में, मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। आज मुरादाबाद कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे, जहां बजट पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि बजट जो है सभी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। अग्निवीर योजना के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना को लेकर तरह तरह की अफवाह फैला रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। सिद्धार्थनगर में सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा जनपद के बाढ़ पीड़ितों के बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। राहत सामग्री का वितरण के दौरान मौजूद जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कुल 350 गांव प्रभावित रहे, जिसमें 150 गांव मैरून रहे, जिनको बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराई गई और अभी तक 56,000 बाढ़ राहत किट बांटी जा चुकी है। लोगों को बाढ़ की राहत सामग्री माननीय सांसद जी के उपस्थिति में, जिलाधिकारी की उपस्थिति में, अन्य महानुभावों की उपस्थिति में, ग्रामजनों की उपस्थिति में वितरित की गई। यहां बाढ़ आई थी, जैसा कि जिलाधिकारी ने सबको बताया, ये पूरा जिला बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित था। 5 तहसीलें प्रभावित थी, लगभग 350 गाँव प्रभावित थे, उसमें 150 गाँव तो लगभग एकदम डूब गए थे, और उसमें राहत सामग्री बांटने का बहुत व्यापक कार्यक्रम चला है। लंच पैकेट बांटे गए, राहत सामग्री लगभग 1,00,000 पैकेट। नगर निगम गोरखपुर के महापौर और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा इंदौर नगर निगम के में किए गए भ्रमण के बाद आज महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने नगर निगम सभागार में बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। जानकारी देते हुए महापौर ने बताया कि इंदौर विजिट पर जाने के बाद वहां की सफाई व्यवस्था को देखकर ये लगा कि काफी बेहतर वहां की व्यवस्था है, साथ ही साथ इंदौर 7वीं बार प्रथम स्थान पर आता चला आ रहा है। सभी हमारे कार्यकारिणी सदस्य जो है इंदौर का विजिट किया, और वहां पर क्योंकि इंदौर का नाम जो है पिछले लगातार 7 वर्षों से प्रथम स्थान पर है भारतवर्ष, तो ऐसे में ये हम लोगों ने भी सोचा कि भाई ठीक है, हम लोग अपना कार्य तो यहाँ कर रहे हैं, किंतु वहाँ क्या और विशेषताएँ देखी जा सकती हैं, इसके संदर्भ में हम सब गए और देखने को मिला कि निश्चित तौर से वहाँ पर बेहतर सफाई है, हमसे इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। खबर वृंदावन से है, जहां नारायण कुटी में दर्शनार्थ आए युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश का रहने वाला युवक वृंदावन आया था और हरिणी कुंज चौराहा स्थित नारायण कुटी आश्रम में किराए पर कमरा लेकर रुका हुआ था। शनिवार को जब युवक कमरे से बाहर नहीं निकला, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब गेट खुलवाया तो उसका शव पंखे से लटका मिला। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बाराबंकी में बीती रात हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल चुराने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल एक बदमाश सहित कुल 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि इनके एक साथी की तलाश में पुलिस टीम दबिश डाल रही है। पुलिस की पकड़ में आए 4 बदमाशों के खिलाफ दूसरे जनपदों में भी गैंगस्टर समेत कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जानकारी कर कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर स्थित मियां बाजार निवासी युवक की सुबह चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई। गनीमत रहा कि युवक की जान बच गई, फिलहाल युवक को कई टाके लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मामला सुबह 7 बजे का है। युवक स्कूटी से रेती चौराहे की तरफ जा रहा था कि उसकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। जब तक वो समझता तब तक मांझे से उसकी गर्दन का हिस्सा कट गया था। युवक फिलहाल खतरे से बाहर है। हमीरपुर में आज पूर्व सांसद फूलन देवी के ऊपर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में निषाद समाज सहित कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में नारेबाजी करते हुए टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
प्रदर्शनकर्ताओं ने बताया कि फेसबुक पर एक युवक द्वारा फूलन देवी पर अभद्र टिप्पणी की गई, इसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया है। पूरा मामला एक महिला के लिए इतनी बड़ी तिरपियां एक छत्री समाज के लड़के ने कि अब उसका हम लोग क्या बताएं, वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कितनी गंदी सब तिरपियां की गई। अगर ऐसी फूलन देवी जैसी वीराना के साथ अगर ऐसी हरकतें की जाएंगी तो आम महिला और नारियां क्या करेंगी। रामपुर में 2.5 साल की मासूम अचानक पानी में बह गई। मासूम घर के बाहर नाले के स्लैब पर बैठकर खेल रही थी, इस दौरान अचानक नाले में गिरकर बहने से पास के तालाब में जा डूबी। वहीं घटना के बाद जेसीबी से नाले और पास के तालाब में मासूम की काफी तलाश की गई, लेकिन मासूम का पता नहीं चल सका। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। ग्रामवासियों और बच्चे के परिवार के सदस्य घबराए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में नियमित रूप से सफाई और निगरानी की कमी के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। खबर लखनऊ से है, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर से मारुति वैन में गैस भरने के दौरान हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में 2 मारुति वैन में भी आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बता दें कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।